स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग आए हैं सारासोर घूमने और मैं अभी हूँ सारासोर में, नीचे जिधर नदी है उस साइड में। तो पहले आप लोगों को नदी का नज़ारा दिखाता हूँ और फिर मंदिर दिखाता हूँ। तो देखो कुछ ऐसा नज़ारा है मेरे पीछे और इस साइड में है मंदिर। भाई देखो कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का, ये पूरा नदी है और उधर पूरा रेत ही रेत है और ये नदी बह रहा है बहुत अच्छा। और उस साइड मंदिर है तीन ठो, वहाँ से भी काफ़ी खूबसूरत नज़ारा दिखता है और ये पहाड़ भी काफ़ी खूबसूरत है। तो यहाँ आके घूमने के लिए काफ़ी कुछ जगह है। यहाँ अभी तो खैर खाली है पूरा, लेकिन पिकनिक के लिए यहाँ बहुत लोग आते हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहता है और अभी पानी भी कम है यहाँ, थोड़ा काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहता है यहाँ। और उधर पूरा बालू ही बालू है, पूरा रेत, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है। आप लोग को फ़ोन से उतना अच्छा पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन अगर सामने से देखोगे तो पता चलेगा कि कितना खूबसूरत नज़ारा है। तो भाई अभी मैं जा रहा हूँ मंदिर की तरफ और कुछ ऐसा नज़ारा है आसपास का। इधर पूरा रास्ता है, इसी रास्ते से होके जाना पड़ता है मंदिर की तरफ। एक इधर में भी मंदिर है बगल में। तो भाई हम लोग ऊपर पहुंच गए हैं मंदिर के पास। तो पानी देख सकते हो कितना खूबसूरत दिख रहा है, पूरा नीला दिख रहा है। ये मंदिर है, ऐसा नज़ारा है यार। इधर पिकनिक के लिए काफ़ी खूबसूरत है, पिकनिक मनाने के लिए, घूमने के लिए। तो यहाँ आ सकते हो आप लोग अगर आना चाहते हो तो। और ये वो सामने मंदिर है, ये भी एक मंदिर है सामने। देख सकते हो आप लोग जैसा मंदिर है ये। कुछ लोग मछली पकड़ रहे हैं वहां नीचे, जय मां नव दुर्गे। भाई एक मंदिर ये ऊपर में है, तो यहाँ सीढ़ी चढ़ के जा रहे हैं। काफी सीधा सीढ़ी है, पूरा खड़ा है, चढ़ना पड़ेगा पूरा। देखो यार नजारा, शिवरात्रि के टाइम पे यहाँ काफी ज्यादा भीड़ रहता है, काफी ज्यादा लोग आते हैं पूजा करने। तो यहाँ तो यार ये बंद है अभी मंदिर, ये वाला तो फिर यहाँ कोई है भी नहीं पुजारी उजारी अभी। इधर से देखते हैं अगर खुला होगा तो।
खुला है। चल हो गया। तो भाई ये मंदिर अभी बंद है, तो यहाँ जाके कोई फायदा नहीं, इसलिए हम लोग नीचे उतर रहे हैं। ये वाला मंदिर बंद है तो अब उस सामने वाले में जा रहे हैं। तो भाई देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है, और ये सामने मंदिर है जहाँ अभी हम लोग जा रहे हैं। ये मंदिर का मेन गेट है, यहीं से अंदर जाते हैं। और सामने जैसे कि आप लोग को दिख रहे होंगे, ये शंकर भगवान का शिवलिंग बना हुआ है। तो भाई यहाँ का नज़ारा देखो कितना खूबसूरत है, पूरा नदी पहाड़ और पानी कितना खूबसूरत लग रहा है। और पूरा यहाँ का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है पूरे आसपास का। और यहाँ से जो व्यू दिखता है वो तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। फ़ोन के कैमरे से उतना अच्छा पता नहीं लगेगा आप लोग को, लेकिन अगर सामने आ के खुद देखोगे अपने आँखों से तो पता चलेगा कि कितना खूबसूरत है। मंदिर से जा रहे हैं हम लोग। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो में।